रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा सैलाब की सूरत हाल आपने देखी, हमारे इलाके में बहुत बड़ा सैलाब आ गया। फिर चलते हैं सैलाब जदगान वालों की सूरत हाल देखते हैं। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमने देगे वगैरह बनवाई हैं, तो सब दोस्तों ने जो है चंदा वगैरह इकट्ठा करके ये देखें देगे बन रही हैं। तो हम जा रहे हैं सैलाब जदगान वालों को ये तकसीम करेंगे चावल वगैरह। तो यहाँ पर पैकिंग वगैरह हो रही है, पैकिंग करेंगे तो इस तरह शापर में पैकिंग करके देंगे। तो देखें हमने बनवाई हैं, अब इसको हम पार्सल बनाएंगे, इस तरह से शापर में इसको पैक करेंगे। तो माशाल्लाह दोस्तों हम रवाना हो चुके हैं अपने इलाके कलर वाला ठट्ठा और उसके और जात वाला की तरफ। वहाँ पर जो है ना सैलाब जदगान वालों को चावल वगैरह तकसीम करेंगे। तो ये देखें ये बिल्कुल जात वाला के जो कलर वाला रास्ता है ये उसकी हालत देखें। यहाँ पर एक गेट पड़ा है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा खड्डा उखाड़ दिया जो है ना पानी ने, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना और घर वगैरह हैं वहाँ पर हम खुद तकसीम करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे कर देते रोड पर तो रोड पर लोग ले लेते हैं लेकिन घरों में नहीं पहुँचती। तो हमने फैसला किया हम घरों में ही पहुँचेंगे, घर हर हर घर में देंगे। ये देखें हम तकसीम कर रहे हैं हर हर घर में। ये देखें ये हमारी टीम बिल्कुल जो है ना अपना पूरी तरह से वर्क कर रही है। अल्लाह माफ़ करे, ये देखें बिजली की तारें वगैरह वो नीचे गिर गई हैं, खंभे वगैरह भी आप देख सकते हैं। अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही बड़ा सैलाब ये रेला आया था। तो इस वक्त इधर बिल्कुल सामने इसने बड़ी स्पीड रखी थी, ये देखें स्पीड की वजह से आप देख सकते हैं। ये एक रोड था बिल्कुल कारपेट रोड था जो कि तकरीबन अभी जो है ना बिल्कुल 4 से 5 फुट हम ऊपर हैं, लेकिन ये 4 से 5 फीट जो है ना पानी ने इस रोड को जो है ना उखाड़ दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर समझने तो यहाँ पर रोड था, ये जो है ना रेत वगैरह निकल आई है। अल्लाह पाक माफ़ करे, ये देखे सामने मकान देख सकते हैं, ये बिल्कुल टूट चुके हैं, जो बच गए हैं वो दराड़ वगैरह उनको आ गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।